वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एप्लीकेशन फॉर्म BSc नर्सिंग के पोस्ट बेसिक के दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। पता नहीं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़ है, बट दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को जो है निकाल दिया गया है। आप लोगों को मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी जो कि कम्प्लीटली जो पंजाबी लैंग्वेज में जाहिर किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों से फिर से आप लोगों को आवेदन करना होगा एंड मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को आवेदन करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले BFUHS.ac.in पर आपको आ जाना है। मैं नोटिस दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा तो आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर PPMET के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PPMET। PPMET आप लोगों को पता है कि BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है एंड इसके नीचे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा PPMET, दैट इज़ फॉर द BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। मतलब अगर आप लोग GNM के बाद करें तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें BSc नर्सिंग के लिए, तो आप लोगों को जो सबसे ऊपर जो लिंक है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। देन आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिस है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर जारी किया गया। आप लोग इस नोटिस को पढ़ भी सकते हैं एंड यहां पर कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पता लग जाएगी, बट मुझे जितना यहां पर इसको पढ़ने के बाद लगा मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूं। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्वाइट किए गए हैं एंड यहां पर जो आप लोग कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, दैट इज 18 अक्टूबर 2021 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं PPMET के लिए। तो यहाँ पर इसका रीज़न प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टफ एग्ज़ाम आने की वजह से जो है सीट्स यहाँ पर वैकेंट हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर BFUHS ने बोला है कि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक यहाँ पर हम लोग दोबारा से कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर फिल तो करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोग कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं? 18 तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, 18 तक आप लोग कर पाएंगे। एंड बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला 24 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे बिकॉज ये टोटली पंजाबी लैंग्वेज में, मुझे जितना समझ आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बट ये 100% श्योर कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है? सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक कर लिया, दैट इज़ आप लोगों को क्लिक करना PPMET 2021 पे, देन आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आप लोग जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे BSc नर्सिंग के लिए जो इन्होंने दे रखा है कि ड्यू टू कोविड आउटब्रेक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से एडमिशन प्रोसेस जो है BSc नर्सिंग 2021-2022 वो हम लोगों ने डिले कर दिया। जैसे कि पहले नोटिफिकेशंस रहते थे जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो नोटिफिकेशंस रहते थे उनसे यहाँ पर काफ़ी डिले हो गया एडमिशन, वो हुआ है कोरोना की वजह से। इनके अकॉर्डिंग एनी सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन और जो भी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल बी फॉरवर्डेड इन लेटर एंड स्प्रिट, तो बाद में आप लोगों को कर देंगे। बट यहाँ पर इन्होंने जो रीज़न बताया है इसके लिए, दैट इज़ कोविड को बताया है कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, जो अपना एडमिशन है वो डिले हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं दोबारा से फॉर्म यहाँ पर निकल चुके हैं, तो आप लोगों को क्लिक करना होगा प्रोसीड नेक्स्ट पे। ठीक है, आप लोग प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को अपनी सभी की सभी डिटेल्स को फिल कर देना होगा, जैसे कि नेम, Category 1, Category 2, Category 3, Category 4 एंड एड्रेस आप लोगों को, डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, रेजिडेंट स्टेट आप लोगों को फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आप लोगों को करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बहुत ही पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पर इससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन अथॉरिटी का आना बाकी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए थे एंट्रेंस एग्जाम जो है, मतलब जो डिमांड, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही हूँ, जो ये बातें थी एज इट इज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये डिमांड था कि दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाए बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इतना ज्यादा टफ था कि सिर्फ 300 यहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो यहां पर एंट्रेंस को क्लियर कर पाए। तो इस वजह से दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट कर दिया गया PPMET 2021 के लिए एंड बाकी जो है
आप लोग ये कंप्लीट डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई फर्दर यहाँ पर न्यूज़ रहती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इस नोटिस को आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो है मुझे इतने अच्छे से पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है, बट जितना मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया है। बट जो मैंने बताया वो 100% करेक्ट है स्टूडेंट्स। आप लोग भी इसमें एक बार ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को वीडियो में क्लियरली विजिबल होगा। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट बेसिक के लिए भी आप लोग देख सकते हैं सेम जो इसके नीचे नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे रिलेटेड आप लोगों के क्या फर्दर डाउट्स हैं, एंड जरूर मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट्स सोल्व करने की। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।